नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस AYT गुरु चैनल में। दोस्तों मैं हूं अमरजीत। दोस्तों आइए देखते हैं SSC MTS 21 सितंबर 2017 का जो थर्ड शिफ्ट थी शाम की शाम पाली में जो क्वेश्चन आए थे जीके संबंधित हमें मिले हैं दोस्तों, उसे हम शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे दोस्तों को पहला क्वेश्चन दिया है, 2017 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो दोस्तों 2017 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप। दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका G से हो गया इसका ग्राफिकल, U से यूजर और I से क्या हो गया इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन ने की। और दोस्तों तो इस पे हमें एक ट्रिक बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो है खोजकर्ता कौन है, तो बड़ी आसानी से आप याद भी हो कर लेंगे और याद भी रहेगा, भूलेगा नहीं। देखते हैं, ईटा जैसे लिखा है, ईटा ई से क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। टा से थॉमसन वैसे होता है लेकिन इसे थॉमसन मान लीजिए, थॉमसन। तो क्या हो गया, ईटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से पा है, पा से प्रोटॉन कर लीजिए, और रा है रा से रदरफोर्ड, ना है ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडवे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलती है? दोस्तों इस सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलती है वैसे देखा जाए दोस्तों, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, विटामिन, स्टार्च, प्रोटीन और फैट। तो इसमें दोस्तों जो हो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देने वाला फैट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कला रत्न 2017 किसे मिला? कला रत्न एक फिल्म से संबंधित दोस्तों, फिल्म क्षेत्र से, तो कला रत्न जो 2017 किसे दिया गया दोस्तों? यह अनुपम खेर को दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा संविधान के रूप में किस एक्ट को जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इसी को हम जो है छोटे संविधान, मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान है, इससे क्वेश्चन दोस्तों ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि आता संविधान से आता तो 42वें से ही पूछ जाता है सर वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, आप जानते हैं, तो महाद्वीप किस महाद्वीप में अवस्थित है? क्वेश्चन ऐसा था, कुछ दोस्तों क्वेश्चन इसमें सही नहीं मिल पाया, ऐसा था या फिर ये हो गया कहाँ किस क्षेत्र में बहती है, कहाँ से निकलती है? तो उद्गम स्थल, तो दोनों दोनों ही दोस्तों यह क्या होगा हमारा साउथ अफ्रीका ही होगा। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों 6,853 किलोमीटर है दोस्तों। एक चीज़ हम इससे बस रिलेटेड बता दें, दूसरे नंबर की जो नदी है अमेजन नदी, विश्व की यदि बहाव क्षेत्र में पूछा जाए यदि ही लिख लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा नील नदी, लेकिन यदि पूछ लिया जाए विश्व की सबसे वह लंबी नदी जो बहाव के क्षेत्र से है तो हो जाएगी अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों उसे कहा जाता है प्राइस थ्योरी और वैल्यू थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी एक जिला है दोस्तों जो है बिहार में, तो किस राज्य में हो सकता है दोस्तों? मधुबनी जो है तो बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर के रूप में हुए, वो जो है अपनी उपदेश लोगों को जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? तो दोस्तों जो इन्होंने अपना उपदेश दिया इसे दिया अर्ध मगधी में, या इसी को ही प्राकृतिक भी कहते हैं, प्राकृतिक भाषा, क्या कहते हैं इसे? प्राकृतिक भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 में शुरू की गई। तो दोस्तों हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर और कमेंट करिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, और फिर जो है इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।